ओरियो आज ओरियो का नया वाला दिन है। ओरियो की जंप देख, ओरियो की जंप देखे जी, ये जंप चेक करिएगा जरा इसकी, और मेरे ऊपर ना मार देंगे। ये ओरियो का निशाना, ये जंप। हाँ जी भाई, ओरियो का आज नहीं हो वाला डे है, और इसको हम हर 15 डेज के बाद जो है वो इंशाल्लाह कह रही हूँ, इसको नहलाते हैं और ये साफ़ सुथरा हो जाता है। साफ़ सुथरा अभी भी है लेकिन फिर भी, तो आज आपको दिखाएंगे कि कैसे नहाता है और कैसे हम इसकी केयर करते हैं। इसकी सारी चीज़ों की जो है ना वो अलहदा से हमने चीज़ें रखी हुई हैं, टॉवल भी रखा हुआ है ताकि उससे खुश्क होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वक्त हम हैं भाई अपने घर में, और यहाँ पर जो है आज मुझे ऑफ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओरियो को नहला दूँ, और ओरियो को आज हमने नैया देनी है, नैया ओरी जो मेरा, तो इसको आज हम नहलाएंगे। सर्दियों में इसको नहलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसको ठंड लगती है। सर्दियों में भी आप इसे हर वीक के बाद नहला देती नहलाती थी, लेकिन मुश्किल बहुत था इसको, क्योंकि पानी से थोड़ी एलर्जी होती है कैट्स को, तो इन्हें 2 वीक या एटलीस्ट 20 दिन के बाद जो है ना नहलाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पे बनेगी कि ये मेल है फीमेल है और ये कहाँ से आया। हमारे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, जो पेट एनिमल्स हैं, जो पेट कैट्स हैं, तो जिन्होंने अपने घर में रखी हुई है, आप इनको कैसे हिफाजत करते हैं इनकी, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। इनसे ना आपको वैसे लगाव हो जाता है आपने रखा हो, क्योंकि स्टार्ट में ना वो वैसा फीलिंग आ रही थी कि यार फर्स्ट टाइम रखी है कैट, तो दे दो किसी को, डोनेट कर दे, ये तंग करेगा और, लेकिन अब ये चेक करेंगे। चलिए ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर आई डू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ तरला तो बनता है, डू राइट, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब आई YouTube चैनल कुरतुल अंबिया, और आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं भाई, बहुत 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 अच्छे मिलने वाले हैं। चलो क्योंकि और मुझे लग रहा है वैसे कि ना औलाद है ये, और ये की शक्ल से लग गया कि भाई नहाने लगे, ये देख जरा इसको, क्योंकि ये ड्रायर निकाल ली है, ये चेक करो जरा, डिजू डिजू, अब ओरियो की तूफानियां चेक करना आप। चले जी, हम इसको लेके जाते हैं इसके वॉशरूम में। दोस्तों जिन जिन का जो है वो पेट एनिमल है कैट, तो उसके लिए आपको ये किसी भी पेट स्टोर से आपको मिल जाएगा, या आप किसी वेट के पास जाएंगे, 600 रुपए का मिलेगा और आपका पूरा साल चल जाएगा, इसकी बड़ी अच्छी जान बचेगी। नहलाने के लिए आपको एक टॉवल चाहिए, आपको एक कॉटन बट चाहिए, साथ में आपको एक अच्छा सा पट्टा चाहिए जो कि आप उसकी नेक कॉलर लगा सकते, कॉलर नेक, और ये आपको नेल कटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है जब वो नहा लेता है ना तब वो सुस्त हो जाता है, तो फिर आप उसके इजीली नेल कट कर सकते, वरना ये एग्रेसिव हो जाते हैं अगर इनके नेल कट करें ना। मैंने इसको नहलाना कैसे है, मैं हाथों से नहीं नहलाती, मतलब कि हाथों से नहलाती हूँ लेकिन पहले इसको बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं पहनती हूँ भाई ये ग्लव, मतलब अपनी भी आपने हिफाजत करनी है, ये नहीं कि आप पेट पाल रहे हो तो आपको भाई वो ही मेरा सब कुछ है एंड ऑल दैट, लेकिन इंसान का बच्चा इंसान का होता है, जानवर का होता है, जर्म्स भी लगते हैं, तो इसलिए ग्लव्स। अब ये हमने खोलना है, इसको पता लग गया इसके साथ कुछ होने वाला है, तो ये सारा एरिया जो है मैंने इसी के लिए रखा हुआ है ताकि इसको नहलाने में मुश्किल ना हो। हाँ, गर्मियों में जो है वो टैंकी का पानी गर्म होता है, तो फिर मैं इसका पानी जो है वो पहले से ही 2-3 घंटे पहले ही रख लेती हूँ। वैसे गर्मियों में तो अभी इतनी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई, तो गर्मियों में आई थिंक आप वो टब में पानी रख लो, ताकि जो है ना वो यूज़ ट्रिमिंग भी होने वाली है। हाँ, क्योंकि अगर आपकी आपकी पानी वाली टैंकी जो है वो प्लास्टिक की है ना, तो आपको आग लगेगी, इसलिए फिर घंटा आप जो है ना पहले किसी टब में, अच्छा जी अब हमने इसको खोल देना, और ये बचाए का भी इसको ठंडा करना, और ये का भी असल जो है ना वो नीचे से मतलब गीला करना, सॉरी हाय हाय, वो कितना पल गया वो भी पता चल जाएगा, वैसे लगता है इसके हेयर से कि ये मोटा लगते हैं, इतना हेल्दी लगते हैं, लेकिन हमने अपने वेटरनरी डॉक्टर को दिखाया था, वो कहते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी केयर करती है, देखे जरा ये तंग करता है, बहुत मुश्किल होती है यूसर नहलाने में, आज आप कर रहे हो ना देख,
मैं वैसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये मेरा ही होता है। और यो क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकते हैं। और जब अग्रेसिव होते हैं ना तो जल्दी काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन मैंने अपना रोक रखा हुआ है, मैं इसको मारती हूँ। नहीं मारना नहीं चाहिए वैसे, थोड़ा बहुत मारती इन दिस सेंस कि उसको पता चले कि भाई ये काम गलत हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने शैम्पू खोलना, जस्ट ये थोड़ा सा लगा दो। हाँ, ये पोशल भी पूरी साफ करनी है क्योंकि भाई दूध वो वैसे थोड़ी थोड़ी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है अगर जो है ना वो थोड़ा। ये देखें जी, आप इसको ऐसे ऐसे रख करें और एंड तक करें। अभी ओरियो को पता चल गया मुझे हिलने का कोई फायदा नहीं है तो आराम से नहा ही लो। हाथों में माँ ने पकड़ लिया इसको। ये देखें ओरियो तेरे तो मजे यार, इतनी गर्मी हो रही है, ठंडा पानी नसीब हो रहा है। अभी तो मार्च आया है, अभी तो आनी है गर्मी। बस बहुत मुश्किल अभी तो गर्मी आनी है। नहीं बेटा, तब तो सही तो होने के। अच्छा इसकी खुशबू अच्छी है वैसे शैम्पू की है ना? खुशबू इतनी अच्छी है कि आप इसको नहलाएंगे ना इसको खुश्क करेंगे तो इसकी खुशबू ना हफ्ता तो इसे फ्रेग्रेंस आती रहेगी। हाँ ये है जी ओरियो, नीचे से कांगड़ी पलवा। ओरियो ना अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा तो सर ये बहुत तंग करता है। आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा है इसको। हाँ। वो भी वीडियो के चक्रों में ना आपने पहली दफा देखा है इसको, लेकिन बहुत वरना ये आपका काम ही है। ये देखो कैसे बैठा हुआ। ओरियो ये आपने सारा इसको लेकिन ये है कि वो इतनी चिपकती नहीं, फिर भी डस्ट हो जाती है इसे लग जाती है। और इसके जो है ना वो बाल भी काफी उतरते हैं। अच्छा होना चाहिए, वो फीड भी दिखाएंगे इसका और इसका लिटर बॉक्स भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन वो बारी बारी दिखाएंगे। आज हम आपको इसकी नया नया दिखाएंगे। क्लीन करके कर देना इसका, ये खाली काम नहीं है, इसको खुश्क भी करना होता है, इसका पट्टा भी चेंज करना होता है, इसके लेयर भी काम ना। इसके कान भी साफ करने और इसका चेकअप भी करवाना है। इसकी हमने वैक्सीन भी लगवाई थी, इसे दो वैक्सीन लगी थी वो उसके लिए एंटी रैबिस के लिए है ना, ताकि उसको कीड़े ना लगे। हाँ आए मेरा ओरियो। यार ओरियो पे तर्स भी आ रहा है, अभी तर्स आ रहा है। शक्ल तो देखो जरा, इतना सा निकल आया। ये भी आप कहते हो हल्दी है। ओरियो को थोड़ा ड्राई कर लें पहले टॉवल से, उसको जो फिर इसे ड्रायर से जो है ना वो आप कर सकते हैं ड्राई। और वैसे भी जब इसे इसे नहला दो ना तो ये जब गीला हो, नहलाने के अलावा जब भी ये खुद भी गीला हो ना, हाँ खुद ही लेक करके वो अपने आप को ड्राई कर लेते हैं। अब हमने इसको ड्राई करके चलेंगे इसको हम इसके वॉशरूम से लेके जा रहे हैं।
करेंगे। देखिए इसको ड्राई किया जा रहा है, जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके कान साफ करेंगे, इसके नेल कट करेंगे, साथ में इसका ये पट्टा चेंज करेंगे। ये देखिए अभी बड़ा और अभी कितना मासूम लग रहा है, जैसे इसने कुछ भी नहीं किया, जैसे ये कुछ भी नहीं करता, करता तो मासूम है, लेकिन वो कभी कभी तंग करता है। ओरियो अब अपने आप को लेट करके खुद ही जो है वो ड्राई कर रहे हैं। ओरियो ये देख, ये अब अपने आप को लेट करता रहेगा और अपने आप को ड्राई खुद भी करता रहेगा। हमेशा जब वो नहाता है आफ्टर 15 डेज तो उसका हम जो बिस्तर है वो भी चेंज करते हैं। वैसे ओरियो तो अब इसमें सोता नहीं है, लेकिन ये है कि वो तंग करता है कभी कभी, तंग करता है फिर सफाई करने में ना या कुछ भी है तो वो तंग करता है, वो पता नहीं समझता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये फिर उसका चेंज करके इसको यहां पर बंद कर देते हैं, इसमें हम जो है ना बंद कर देते हैं। हां ओके जी दोस्तों, ये जो है खुश हो गया है, ठीक है जी, फुल ड्राई हो गया। हां फुल ड्राई हो गया है, साथ में हमने इसको ये कॉलर जो पहनाते हैं ये भी चेंज कर दी है, ऊपर से बहुत प्यारा प्यारा हो गया है। इसकी आईज अगर आपने साफ करनी है, क्लीन करनी है तो आप इसको टिश्यू से कर सकते हैं। फुल गुस्से में अभी एग्रेसिव होने लगा है क्योंकि इसको पता चल गया है कि हम इसके नेल कट करने लगे हैं। नेल इतने कट करने हैं इस तरीके से ताकि इसका ब्लड ना नेल से निकले। आई थिंक इनका वो वाइट वाइट पोर्शन सा होता है। मैं आपको बताती हूँ नेल कैसे कट करते हैं। पहले तो इसको फुल दबा के रखते हैं, इसके ये जो हैंड है इनको ऐसे करते हैं, ये देखें ये नेल निकल रहे हैं और बहुत कम, ताकि ये आपके को स्क्रैचेस ना डाले, वरना ओरियो के जो स्क्रैचेस होते हैं ना वो बस खून ही निकाल देते हैं। अभी ओरियो का गुस्सा देखो, इसका नेल ये चेक करें, इसके हर 15 डेज बाद जो है ना आप नेल कट कर दें वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारा ओरियो पसंद आया होगा, साफ सुथरा हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और आपने हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है और बहुत सारा प्यार देना है। डू लाइक डू कमेंट एंड डू शेयर आवर यूट्यूब चैनल कुरतुल अंदिया। बाय फ्रॉम ओरियो।